मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की है। थाना अधिकारी मनोहर लाल मीना के अनुसार 10:30 पर मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस की टीम गश्त करते हुए नाहर खोरा रोड पर पहुंची तो एक व्यक्ति खड़ा था। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस को उनसे अपना नाम मुकेश कुमार सैनी 30 पुत्र चतुरु राम माली निवासी हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने काजीपाड़ा दवाइयां एवं टैबलेट बरामद की दवाइयां एक लाइसेंस होने से मना कर दिया। पुलिस ने करौली से औषधि नियंत्रण अधिकारी को बुलाकर बोरे को खोलकर जांच की तो एक गत्ते की कार्टून में 1600 टैबलेट प्रोजेलम तथा 102 ओनरेक्स की प्लास्टिक की शीशियां 330 प्रोकिसवन स्पोस कैप्सूल स्पेस जमो 72 कैप्सूल मिले। पुलिस ने दवाइयां जब्त की, आरोपी को गिरफ्तार किया। आपने जो टोडा भीम में इतनी बड़ी कार्रवाई करी है नशीले पदार्थ की, जो जगह जगह आपने सारे ये जो पकड़े हैं, तो इनके बारे में क्या कहना है आपका? के डोरा ने गश्त कस्बे में जिसे हम गश्त कर रहे थे उस समय कोई इतना मिली कि फला आदमी है जो ये नशीली दवाएं हैं, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जिनको नशे के रूप में नशे के आदि लोग हैं वो उपयोग में लेते हैं, वो आदमी बेचने काम करता है और वो अभी कहीं से सामान माल लेके आया है। जैसे कि उसमें देखा सूचना पे अपने तुरंत ही देखने पे उसको पकड़ा गया, पुलिस को देख के भागा। पूछताछ की तो उसने नशीली दवाओं ने बताया, फिर जो भी है उससे लगभग प्रोक्सन प्लस और प्रोक्सन स्पास और एल्प्राजोलम करीब 1600 टेबलेट हैं और ऑनरेक्स सिर्फ जो खांसी की दवा वगैरह में काम आते हैं, लेकिन नशीली इसको इस्तेमाल करते हैं। 2200 के करीब इनके पास ये बरामद हुई। इसमें आरोपी था मुकेश कुमार सैनी, उसको मौके पर गिरफ्तार किया गया और इसके पुलिस रिमांड लिया गया और इससे जांच की जा रही है कहाँ से खरीदता है और कौन कौन लोग इसके खरीदार हैं। सर, इसका जो आपने जो पकड़ा है कितने का माल का बराबर, कितने माल पैसे का था ये माल? नहीं, कितना पैसों का है ये तो इन पे सब पे रेटें लिखी हुई हैं और बाकी पैसों का जो टोटल करके बता दिया जाएगा। पूरी जानकारी कितनी कीमत का माल है ये जानकारी है अभी। सर, आपका नाम? मनोहर लाल सिंह। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही है ओनली ऑन डेली हंट।